ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज आपको देखनी चाहिए जिससे आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा कि आपकी अमेजोन पे सेल्स ड्रॉप क्यों हो रही है। यू नो ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए हैं मेरे कोचिंग प्रोग्राम के साथ, जहां पे मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे आपकी सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करनी है थ्रू अमेजोन मार्केटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी अदर टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। एंड काफी सारे लोगों को काफी अमेजिंग रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। और एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है, जब भी मैं कोई भी स्टूडेंट्स सेलर्स का इंटरेक्ट करता हूँ, कि वो हमेशा पूछते हैं, विरल मेजर सेल्स ड्रॉप हो रही है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसे चीजें आइडेंटिफाई करूँ और क्यों मेरी सेल्स ड्रॉप हो रही है। एंड एवरीवन नोज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। अगर आपको पता है क्या रॉन्ग हो रहा है तो आप उसको सुधार सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्या चीजें आपको देखती हैं अगर आपका सेल्स कंप्लीटली डिक्लाइन होते जा रहा है मंथ ओवर मंथ और वीक आफ्टर वीक। ऑलराइट, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक द फर्स्ट रीजन दैट कुड डिक्लाइन योर सेल्स। अगर आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, क्या आपको नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो 4.5 स्टार्स 4.7 स्टार्स का है, द मूवमेंट किसी ने नेगेटिव रिव्यू डाली है, या तो लेट्स से कुछ टाइम स्पैन में आपको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आ गए, तो आपकी 4.7 स्टार की रेटिंग ऑलमोस्ट 4 पे आ जाती है और उस वजह से आपका सेल्स डिक्लाइन हो सकता है। तो कभी भी जब आपका सेल्स डिक्लाइन होता है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको ये नहीं चेक करना है कि मैं अपना प्राइस लो कर लूँ या तो मेरी एडवर्टीजमेंट में कोई इशू है। सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है क्या आपको नेगेटिव रिव्यू आया है, क्या आपकी रेटिंग्स जो थी पहले वो उससे कम हो गई है। तो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन पर जा सकते हो, रिव्यू सेक्शन में जो भी प्रोडक्ट की सेल्स डिक्लाइन हुई है उसके अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो कि जो रीसेंट रिव्यू आया है क्या वो कोई भी नेगेटिव रिव्यू आया है। और कितनी बार ये होता है कि नेगेटिव रिव्यूज एक लाइन के नहीं होते, कोई बार या तो कॉम्पिटिटर या तो कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बायर हो सकता है, वो बेसिकली पूरी एक पैराग्राफ लिख लेता है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कि वो क्यों खराब है, उससे क्या प्रॉब्लम हुई है उसको। और वो रीड करके काफ़ी सारे सेलर्स काफ़ी सारे बायर्स बेसिकली आपका प्रोडक्ट बाय करने का डिसीजन नहीं लेते हैं। उस वजह से भी बहुत बार हमने देखा है कि आपकी सेल्स डिक्लाइन हो जाती है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि नेगेटिव रिव्यूज़ आए हुए हैं कि नहीं और आपकी रेटिंग्स कम हुई है कि नहीं। बहुत लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मेरा 4.7 स्टार था, अब 4.5 स्टार हो गया है तो उसमें बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए एवरी सिंगल पॉइंट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू रिव्यूज। एक 5 स्टार और एक 4.9 स्टार के डिफरेंस में रेटिंग में आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ऑलमोस्ट 4-5% सेल्स डिक्लाइन हो गया है, राइट। एंड जब आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं, तब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। बेसिकली आपके पास एक टूल है जो अमेजोन में देता है, जो मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम में भी सिखाता हूँ। बेसिकली वो टूल से आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि किसने आपको नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं और आप डायरेक्टली वो बायर्स को कॉन्टैक्ट करके उनके इश्यू रिजॉल्व कर सकते हो, जिससे बेसिकली 2 चीज हो जाएगी। एक, बायर हैप्पी हो जाएगा कि आपने उनको रीच आउट किया, जो 99% सेलर्स नहीं करते। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब आप उनको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हो, और सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो आप उनको रिफंड भी दे सकते हो, फुल्ली रिफंड, या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बेसिकली उनका आंसर दे सकते हो। और मोस्टली होगा ये, जब आप उनको या तो फुल रिफंड दोगे या तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो बेसिकली वो आपको नेगेटिव रिव्यू को अपडेट करके पॉजिटिव रिव्यू कर सकते हैं, या तो वो अपना रिव्यू विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपकी सेल्स जो डिक्लाइन हुई थी वो वापस आ सकती है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। लेट्स से अगर आपको फर्स्ट डायग्नोसिस में अगर रिव्यूज सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी चेकिंग इज योर यूनिट सेशन परसेंटेज। सो बेसिकली यूनिट सेशन परसेंटेज होता क्या है। यूनिट सेशन परसेंटेज बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका कन्वर्जन कितना है अमेजोन पे। इमेजिन करो कि आपके लिस्टिंग पे 1000 लोग आ रहे हैं और 10 लोग खाली बाय कर रहे हैं, इसका मतलब आपका यूनिट सेशन परसेंटेज और कन्वर्जन इज अराउंड 10%, 10% आपका कन्वर्जन हो गया। अब इमेजिन करो आपका प्रोडक्ट हमेशा 10% कन्वर्जन पे चल रहा था, अचानक से आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई वो प्रोडक्ट में कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक के लिए। तो अगर आपने चेक किया रिव्यूज में कोई इशू नहीं है, सेकंड थिंग आप चेक करोगे क्या आपका कन्वर्जन डिक्लाइन हुआ है, क्या आपका कन्वर्जन कम हो गया है। इसका मतलब पहले 1000 लोग आते थे और 10 लोग बाय करते थे, मतलब 10% कन्वर्जन,
अब 1000 लोग आ रहे हैं और सिर्फ 5 लोग बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ 5% कन्वर्जन ड्रॉप। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% बायर्स नहीं बाय कर रहे हैं अभी आपकी लिस्टिंग पे आके। सो बेसिकली ये चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी बिजनेस रिपोर्ट में, और वहां पर एक सेक्शन होगा जहां पे हम उसको बोलेंगे यूनिट सेशन परसेंटेज, एक कॉलम सा होगा छोटा सा, वहां पर बेसिकली आपको मालूम पड़ेगा आपका यूनिट सेशन परसेंटेज कितना है। तो आपको ये चेक करना है जब ड्रॉप नहीं था, जब सब कुछ सही चल रहा था, तब मेरा यूनिट सेशन परसेंटेज क्या था और अब मेरा यूनिट सेशन परसेंटेज क्या है। अगर उसमें डिक्लाइन है, इसका मतलब आपका कन्वर्जन ड्रॉप हुआ है। अब जब आपको मालूम पड़ गया है कि कन्वर्जन ड्रॉप हुआ है, तब आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आपका कन्वर्जन ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब आपकी एडवर्टीजमेंट में इशू नहीं है, आपकी कोई भी चीजों में इशू नहीं है। इसका मतलब जब आदमी क्लिक कर रहा है आपके पेज पे आ रहा है बट वो बाय नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग को आपको इम्प्रूव करना है। या तो शायद आपकी इमेजेस सही नहीं है, या तो अमेजोन ने इमेजेस रिमूव कर दी है, आपका टाइटल शायद चेंज हो चुका है, या टाइटल सही से नहीं है, आपके बुलेट पॉइंट्स A+, ये तीनों चीज आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले जो आप चेक करोगे वो आप ये चेक करोगे कि आपकी इमेजेस एकदम सही है कि नहीं, कोई इसमें चेंजेस, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए है कि नहीं। सेकेंड आप चेक करोगे आपका टाइटल जो है वो सही से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो आपने लिखा था और जो आपका प्रोडक्ट है। और तीसरा बुलेट पॉइंट्स चेक करने हैं कि वो सही है कि नहीं। कितनी बार अमेजोन क्या करता है, उसको कहते हैं कैटलॉग शिफ्ट। बेसिकली वो 5 बुलेट पॉइंट्स के बदले कभी कभार 2-3 उड़ निकाल देता है, कभी कभार वो टाइटल जो होता है उसको कम कर देता है, बेसिकली कभी कभी वो A+ भी निकाल देता है। सो आपको वो चेक करना है कि आपकी लिस्टिंग में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, राइट? आपकी इमेजेस सही है कि नहीं है, आपका टाइटल सही है कि नहीं है, आपके 5 बुलेट पॉइंट्स विजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही है, फिर आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि आपका प्राइस। आपके ही प्रोडक्ट अमेजोन पे ढूंढ सकते हो, चेक कर सकते हो क्या कोई भी कॉम्पिटर्स ने, या आपकी जो मेजर कॉम्पिटर्स हैं, क्या उन्होंने प्राइस ड्रॉप कर लिया है बहुत, या तो कोई नया प्लेयर आ गया है जो बहुत बहुत कम प्राइस में बेच रहा है। अगर ये चीज़ें हैं तो बेसिकली मोस्ट पीपल आर एक्चुअली बाइंग देयर प्रोडक्ट एंड नॉट योर प्रोडक्ट। तो इससे आपको बेसिकली ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका कन्वर्जन ड्रॉप क्यों हो रहा है, या तो आपकी लिस्टिंग का इशू है या तो प्राइसिंग का इशू है। सो बेसिकली आपको आपकी लिस्टिंग पे वर्क करना है वापस, एंड देन आपको 7 दिन के अंदर चेंजेस करने के बाद वापस मेजर करना है क्या आपकी सेल वापस आ चुकी है क्या नहीं आ चुकी है। सो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद कन्वर्जन रेशियो, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एडवर्टीजमेंट और टू डू विद द रिव्यूज। द प्रॉब्लम विद कन्वर्जन इज दैट आपकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं मार खा रही है। तो इंप्रूव योर लिस्टिंग एंड योर सेल्स विल कम बैक। Alright, the third reason that you need to check if your sales are declining. अगर आपने चेक कर लिया आपके रिव्यूज और रेटिंग सही है, आपका कन्वर्जन रेशियो भी कम नहीं हुआ है, द थर्ड थिंग दैट आई वुड चेक एंड आई रिकमेंड यू टू चेक इवन इन आर कोचिंग प्रोग्राम इज टू लुक एट द सेशन परसेंटेज। सो अभी तक हमने ये देखा कि कन्वर्जन ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब हम चेक करेंगे क्या हमें लिस्टिंग में ट्रैफिक कम हो गया है, या तो लोग जो आ रहे थे क्या वो कम हो गए। सो बेसिकली आपको जाना है अगेन बिजनेस रिपोर्ट में चाइल्ड वेरिएशंस के अंदर, और वहां पर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा अगर आप चेक करोगे सेशंस करके कॉलम होगा जहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लोग आपकी लिस्टिंग्स को चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं। अगर आपकी लिस्टिंग्स में सेशंस यानी विजिटर्स जो आ रहे थे वो कम हो गए हैं, तो बेसिकली आपकी लिस्टिंग पे ट्रैफिक कम हो गया है। सो एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया कर रहा था पहले, और लेट्स से तब जो सेशन परसेंटेज थे, जब जो लोग आ रहे थे आपके पेज पे, वो थे 10,000 एवरी सिंगल मंथ, और अगर आप अब चेक कर रहे हो जब सेल्स डिक्लाइन हो गई है, 10,000 से अगर वो हो गए 5,000, इसका मतलब आपकी जो लिस्टिंग पे ट्रैफिक आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, वो कम हो गए। अब बेसिकली ट्रैफिक का इशू दो चीज़ की वजह से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि शायद कुछ महीने अमेजन में स्लैक होते हैं, कुछ बार जैसे सेल पीरियड खत्म होता है तब ट्रैफिक कम हो जाता है बिकॉज बहुत लोग सेल्स में ऑलरेडी बाय कर लेते हैं, या तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट सीजनल होता है। अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो बेसिकली आपकी डिमांड जनरली सीजन में होगी और उसके बाद ऑफ सीजन में कम हो जाती है। बट लेट्स अज्यूम कि अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलर प्रोडक्ट है जो थ्रू आउट द ईयर चलता है, तब आपके सेशंस या पेज विजिट्स कम नहीं होने चाहिए। तो पहले अगर 10,000 लोग आ रहे थे और अब भी 5,000 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ट्रैफिक कम हुआ है, और ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके अमेज़न एडवर्टाइजिंग के अंदर। और अमेज़न एडवर्टाइजिंग के अंदर आप क्या करोगे, आप वो SKU को ढूंढोगे जहां पर ये सेल्स ड्रॉप हुई है, और वो SKU के अंदर जो भी कैंपेन्स चल रहे हैं आपको ये चेक करना है लास्ट 30-40 डेज के डेट रेंज में
कि कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं था जो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्या आपने उसको पॉज कर दिया है, क्या आपने उसकी बिड बहुत कम कर दी है? अगर आपने कोई चीज़ को पॉज कर दिया था, ऑफकोर्स उसका सेल्स का इफेक्ट होगा, बिकॉज जो ट्रैफिक आ रहा था वो कीवर्ड पे वो कम हो गया है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने बिड कम कर ली हो कोई अच्छी परफॉर्मिंग कीवर्ड की, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही थी। कोई हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो सकता है जिसमें आपने बिड कम कर ली, इस वजह से आपकी एड दिखती ही रही है, इतने इंप्रेशंस नहीं आ रहे, इसकी वजह से इतने क्लिक्स नहीं आ रहे। सो बेसिकली आपको वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं जो परफॉर्म कर रहे थे, और आपने क्या उसको पॉज कर दिया है। अगर पॉज कर दिया है तो उसको अनपॉज कर लो, और अगर कोई ऐसे कीवर्ड है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पर आपने उसकी बिड कम कर ली है, तो वापस उसकी बिड्स बढ़ा दो। अगर आप ये सॉल्व कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक वापस बढ़ जाएगी। और फिर आपको ये चेक करना है कि जो आपने चेंजेस किए हैं उस वजह से आपकी जो सेशन परसेंटेज है, ट्रैफिक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है। अगर वो आ गया है तो जनरली आपकी सेल्स भी वापस आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये तीन रीज़न है जो आपको ध्यान रखते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स चेक करो। सेकेंड आप चेक करोगे यूनिट सेशन परसेंटेज, इसका मतलब कन्वर्जन। थर्ड आप चेक करोगे सेशंस, यानी कितने लोग आपके लिस्टिंग पे आ रहे हैं। ये तीन रीजन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सेल्स डिक्लाइन क्यों हुई है और उसको आपको कैसे सुधारना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी कोचिंग प्रोग्राम में, जो मैं सिखाता हूँ बेसिकली स्केल करने के लिए अमेजोन पे, इन टर्म्स ऑफ अमेजोन एडवर्टाइजिंग, लिस्टिंग एंड ग्रोइंग द सेल्स एक्सपोनेंशियली, देन यू कैन क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। 20 मिनट का एक वीडियो होगा, वो चेक कर लो। और अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम आपके लिए राइट फिट है, देन यू कैन क्लिक एंड अप्लाई फॉर अ 1-on-1 कॉल। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम जो मेरा है वो आप उसके लिए सूटेबल हो के नहीं हो, क्या आपको उससे हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑलराइट, दैट्स इट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।